मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है एंड आज मैं फिर आया हूं आपका बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल लेके। फ्राइडे है आज का दिन और मैंने वादा किया था आपसे मिलूंगा। आज हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, हाउ टू डू इट। यू नो, जब एक कंपनी शुरू होती है वो होता है इंडिविजुअल ड्रिवन। उस इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी को हमें अगले लेवल पे लेके जाना है, यानी लोगों को लाएंगे और वो पीपल ड्रिवन कंपनी हो जाएंगे। तो हमने पीपल को लाया सेल्स में, हमने लाया परचेस में, हमने लाया मैन्युफैक्चरिंग में, हमने लाया फाइनेंस में, हमने लाया एचआर में। तो वो इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी से पीपल ड्रिवन कंपनी हो जाएगा। अब जो ये पीपल को आप ला रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को लाना है, टैलेंटेड लोगों को लाना है जो आपके कंपनी में आपके कंपनी को अगले लेवल पे लेके जाएगा, और वो है सिस्टम एंड प्रोसेस ड्रिवन कंपनी। इसका मतलब है कि पहला इंडिविजुअल ड्रिवन होता है, बाद में पीपल ड्रिवन होता है, पीपल सिस्टम और प्रोसेस डालते हैं ना। जो आदमी लोग को ला रहे हैं उनका इंटरव्यू ऐसा लीजिए कि पता तो कीजिए कि उनके पास वो जो डिपार्टमेंट है जिनके लिए उनको लिया जा रहा है, वो लोग सिस्टम एंड प्रोसेस डाल सकते हैं कि नहीं, एसओपीज डाल सकते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डाल सकते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं डाल सकते और फिर भी आपको वो आदमी पसंद है और आपने ले लिया, ये आपका चॉइस है, यू नो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बाहर के कंसल्टेंट एडवाइजर्स को लेके उस आदमी को, उस डिपार्टमेंट का आदमी के साथ बैठ के आपको गाइडेंस देते हुए वहां पर सिस्टम एंड प्रोसेस डालना पड़ेगा। सिस्टम एंड प्रोसेस का मतलब है कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। इंडिविजुअल यानी परचेज एक ही आदमी को मालूम है। अगर परचेज का आपने सिस्टम डाल दिया, परचेज करने के पहले 10 चीजें करना होता है, सेल्स करने के पहले 10 चीजें करना होता है, फाइनेंस का एक सिस्टम आपने डाल दिया, अगर एचआर में आपने सिस्टम डाल दिया कि सोर्सिंग ऑफ पीपल ऐसा करेंगे, यू नो, एब्जॉर्बिंग ऑफ पीपल को ऐसा करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पीपल में ये करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑफ पीपल में ये करेंगे, लोगों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इस तरह से होगा, लोगों को रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन ऐसा दिया जाएगा, लोगों को एंगेज ऐसा किया जाएगा, लोगों को रिटेन ऐसा किया जाएगा, ये पूरा टैलेंट फैक्ट्री इसको बोलते हैं, सोर्सिंग, एब्जॉर्बिंग, डेवलपिंग, डिप्लॉइंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। ये एक सिस्टम है, लोगों को लाना और उनको बनाने का एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम बनाने के लिए अगर वो एचआर का इंसान काबिल नहीं है तो आपको एक आउटसाइड एजेंसी जैसे स्मार्ट है और ऐसे कई अनगिनत ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो एडवाइजर और कोचिंग का और कंसल्टिंग का काम करते हैं और आपको ये सिस्टम और प्रोसेस डाल के देंगे। अब आप थर्ड लेवल पे पहुंच गए, इंडिविजुअल ड्रिवन, पीपल ड्रिवन, सिस्टम एंड प्रोसेस ड्रिवन। अब आप पहुंचेंगे चौथे लेवल पे, इसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन का मतलब है कि डेटा टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास पूरा डेटा आता है, कौन सिस्टम फॉलो कर रहा है, कौन सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपने सिस्टम डाला एडवांस लेने का सेल्स में और एक आदमी नहीं ले रहा है अहमदाबाद से या जिधर से, तो आपको उसको बुलाना है, बिठाना है, क्वेश्चन करना है क्यों नहीं कर रहा है, काबिलियत की प्रॉब्लम है, डर लगता है उसे, उसे नॉलेज की प्रॉब्लम है, उसका स्किल का प्रॉब्लम है, आदत की प्रॉब्लम है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, उसे क्वेश्चन करो, उसको मारो, उसको पीटो, उसको समझाओ, उसको उसको गले मिलो, उसको जो मनता करो, और उसको डेटा ये बताता है कि वो नहीं कर रहा, जब तक वो नहीं करता उसके पीछे पड़े रहो और इसको स्ट्रॉन्गली इंप्लीमेंट करो, तब ये हो जाएगा डेटा ड्रिवन कंपनी। डेटा बार बार बताएगा कि सिस्टम कौन नहीं फॉलो कर रहा। ये अगर कर लिया तो कल्चर ड्रिवन कंपनी हो जाएगा पांचवें लेवल पे। कल्चर ड्रिवन कंपनी यानी एडवांस लेने का कल्चर आपके कंपनी में आ गया, ये कल्चर ड्रिवन कंपनी हो गया। अगले लेवल पे हम जाएंगे वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ड्रिवन, यानी बाहर से भी कोई आदमी आ जावे, हमारे कंपनी में नए आदमी को ले लिया और वो उधारी का किंग रहेगा, वो अपने कंपनी में आके एडवांस लेने चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंपनी का सुगंध, उसका एक अंडरस्टैंडिंग, उसका जो तरीका है उसमें वो गुल मिल जाएगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में गुल मिल जाएगा, और इसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 100-100 साल तक ये कंपनी चलेगी, क्योंकि एचआर का सिस्टम सेट हो गया, प्रोसेस सेट हो गया, सेल्स का सिस्टम सेट हो गया, परचेस का सिस्टम और प्रोसेस सेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम और प्रोसेस सेट हो गया, प्रमोशन का सिस्टम और प्रोसेस सेट हो गया, किसको प्रमोट करेंगे, कब प्रमोट करेंगे, कैसे करेंगे, उसका सिस्टम क्या, उसका प्रोसेस क्या, ये सेट कर दिया। अगर आपने ऐसा किया तो ये जो 6 स्टेजेस पे आप गुजरे, तो इंडिविजुअल ड्रिवन से पीपल ड्रिवन, पीपल ड्रिवन से सिस्टम एंड प्रोसेस, वहां से डेटा ड्रिवन, कल्चर ड्रिवन एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला आपका कंपनी बनेगा एपीओ, ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन विच ग्रो रन्स ऑन इट्स ओन। यानी इंडिविजुअल ड्रिवन से आपने पीपल ड्रिवन किया और सिस्टम डाल दिया,
और सिस्टम टेक ओवर कर दिया तो आपके ऊपर से कंप्लीट लोड चला गया, तो ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन ए कंपनी दैट रन्स ऑन इट्स ओन विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट ये हो जाएगा। फिर आपका इन्वॉल्वमेंट ग्रोथ पे होगा और ग्रोथ के लिए जो सिस्टम्स डालने हैं प्रोसेस डालने आपने वहां पर सिस्टम और प्रोसेस ग्रोथ वाला सिस्टम और प्रोसेस डाल दिया तो ऑटो एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रोथ ऑन इट्स ओन वैसा कंपनी बन जाएगा। उसके बाद आप अगले लेवल का कंपनी बनाएंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांसफॉर्म्स ऑन इट्स ओन। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सिस्टम और प्रोसेस डालना है वो अगर आपने डाल दिया तो वो ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी हो गया। ये सब आपको कॉन्शियसली करना है, डिलिबरेटली करना है, जानबूझ के करना है। आपके लेवल पे हो सकता है तो आप अपने लेवल पे कीजिए, नहीं है तो आप अपने पीपल के लेवल पे कीजिए जो स्मार्ट होने चाहिए, और अगर उनमें भी ताकत नहीं और आप में भी ताकत नहीं है तो एक्सटर्नल एजेंसी जैसे स्मार्ट है और ऐसे कई अनगिनत कंपनी होंगे उनको बुला के आपको ये सिस्टम और प्रोसेस डालना है। इससे आपका क्लाइंट का लाना जो कार्यक्रम है, क्लाइंट को अवेयर करने का सिस्टम, क्लाइंट को एंगेज करने का सिस्टम, क्लाइंट का फीडबैक लेने का सिस्टम, क्लाइंट को प्रोडक्ट देने का सिस्टम, क्लाइंट को सर्विस देने का सिस्टम, क्लाइंट को कस्टमर रिस्पांस देने का सिस्टम, क्लाइंट के नए नए नीड्स को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम, क्लाइंट का कनेक्ट करने का सिस्टम, एक कम्युनिटी बनाने का एक सिस्टम, और कम्युनिटी लगातार आपको प्रमोट कर रही है, एडवोकेट कर रही है और आपके लिए लड़ रही है। जैसे एप्पल का एक कम्युनिटी बन गया, स्टारबक्स का एक कम्युनिटी बन गया, रॉयल एनफील्ड का एक कम्युनिटी बन गया, ऐसा आप भी एक कम्युनिटी बना सकते हैं। ये सब चीजें हो सकता है अगर आपने सिस्टम और प्रोसेसेस के ऊपर मान सम्मान दिया और अगर आपने इसके ऊपर काम कर दिया। अगले फ्राइडे को फिर मैं आऊंगा एक और बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल लेके। तब तक के लिए सलाम, अलविदा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, मैं स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एक एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी का चेयरमैन हूँ। एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन हमारा काम है और मैं चेयरमैन हूँ संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज का, जहाँ पर हम लोग ऑडियोज, वीडियोज, बुक्स वगैरह बेचते हैं, उससे इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े याद करना मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगले फ्राइडे फिर मिलते हैं एक नया बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल लेके। थैंक यू।